नमस्कार यम्मी पकवान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ प्याज के पकौड़े और कढ़ी। उसके लिए हमने ये लस्सी थी, लस्सी में 2 चम्मच हमने बेसन डाला और इसको अच्छी तरह फेंट लिया। ये हमारा आधा बाउल बेसन, ये 2 है प्याज हमारे पास बड़ी, और जो हरी धनिया होती है उसकी डंडी हमने फेंका नहीं, हम पकौड़े के साथ इसको इसी मिला के तलेंगे, ये बहुत टेस्टी बनता है। ये है मसाले, इसमें हमने 1 टमाटर डाला हुआ है, 3 लहसुन की कलियाँ, 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा, और इसको 1 प्याज है, हमने इसको पीस लिया है इकट्ठे क्योंकि हमारी दही थोड़ी खट्टी थी। ये है हमारे पास 2 तेज पत्ता, थोड़ी सी हींग, 2 लाल मिर्च, थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा अजवाइन जो हम पकौड़े में डालेंगे, थोड़ा सा जीरा, 3 है हमारे पास हरी मिर्च कटी हुई, ये है हमारे पास मसाले कुछ जो हम डालेंगे। अब हम सब मिलाते हैं और बनाते हैं एक पेस्ट पकौड़े के लिए। अब हमने एक बाउल ले लिया है, अब हम इसमें पहले डालेंगे प्याज, जो कटा हुआ प्याज रखा हुआ है हमने। अब हम डालेंगे इसमें बेसन, इसको थोड़ा हाथ से मिला देंगे, जो ये प्याज है अलग अलग हो जाएगी थोड़ी सी। इसको हमने अच्छी तरह काट के धो के फिर रखा हुआ है, बेसन हमने छान के रखा हुआ है पहले से। ये सारी प्याज अलग अलग हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जितनी ज़रूरत है। बेसन हमने 1 कटोरी ले रखा, छोटी कटोरी। अब हम इसको ऐसे मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन जो रखा हुआ है हमने, इसको हाथों से ऐसे क्रश कर देंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची, 2 मिर्ची कटी हुई। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हमने काली मिर्च डाला हुआ है, 1/2 चम्मच से कम है सारा। अब हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच, बड़ा चम्मच, ये छोटा चम्मच है हमारे पास। हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसको सारा मिलाएंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें। पहले हम इसको एक बार फिर मिला लेंगे, इसको हम हाथ से भी मिला सकते हैं ऐसे करके। इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे। अभी हम बेसन और डालेंगे, 1 चम्मच। बस हम इसको ऐसे मिला लेंगे। अब हमें पानी की ज़रूरत इसमें नहीं है, पानी हमने छोटा गिलास 1 लिया था, 1/2 गिलास पानी लगा हमारा। अब हमने इसको सारा मिला लिया है, अब हम इसको साइड में रखेंगे। अब हम गैस जलाएंगे, तेल गरम करेंगे, पकौड़ा तलेंगे। अब हम ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे इसमें, इसको एक बार मिला देंगे। अब हमने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया फिर से मिला दिया। अब हम इसको काटेंगे छोटे छोटे पकौड़े। पकौड़े अपने पसंद से काट सकते हैं, बड़ा छोटा जैसे मर्जी वैसे काट सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसको हम चम्मच से भी काट सकते हैं। अब पकोड़े हमारे एक तरफ के सेक गए हैं, अब हम इनको पलट देंगे।
गैस हमारी मीडियम जल रही है। पकौड़े हमारे पक चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम बाकी के भी पकौड़े ऐसे बना लेंगे जो हमारे पास बाकी बचे हुए हैं। अब हमने सारे पकोड़े बना लिया है, हमारे पकोड़े बहुत अच्छे बने हैं, बहुत बढ़िया बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। ये देख सकते हैं बहुत करारे पकोड़े हैं, क्रिस्पी। अब हम रखते हैं तड़का, लगाते हैं कढ़ी में तड़का। हमने गैस जला दिया है, कढ़ाई रख दिया है, तेल हमने डाल दिया, इसमें कम से कम 4 चम्मच तेल डाला है, 1 चम्मच जीरा, दो लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, थोड़ी सी हींग, इसको हम थोड़ा चला देंगे ऐसे। अब हम डालेंगे इसमें मेथी दाना, 1/2 चम्मच से भी कम है। इसको भी हम पका लेंगे, इसको पकने में कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। गैस हमारी मीडियम जल रही है, इसको जल्दी पकाना है, इस करके हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 2 पिंच। बस इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। प्याज हमारी पक चुकी है, मसाला अब डालूंगी मैं। मसाला गैस हमने बिल्कुल धीमी कर दी, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। 1/2 चम्मच हमने डाला हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 2 पिंच काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। इसमें हम हरी मिर्च डालना भूल गए थे तड़के में, हम ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा, वैसे तड़के के साथ भी डाल सकते हैं इसको। अब हम गैस फिर तेज कर देंगे अपनी। अब हमने इसको अच्छी तरह मिला लिया, इसको 1 मिनट के लिए पकने देंगे। जो मसाले हैं अच्छी तरह भुन जाएंगे। 1 मिनट हो गए, मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह भुन गए हैं, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम डालेंगे लस्सी जो हमने इसको फेंट के रखा हुआ है। इसको 1/2 बाउल है, जितनी ज़रूरत है अपने हिसाब से बना सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं। अब हम इसको पकने देंगे। 5 मिनट हो गए, कढ़ी हमारी पक गई है। अब हम इसमें डालेंगे पकौड़े। पकौड़े हमने डाल दिया, इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल धीमी गैस पर रख देंगे, अच्छी तरह इसी में मिल जाएगा।
अब हम इसको ढक देंगे। अब हम एक बार और कढ़ी चेक कर लेंगे अपनी। कढ़ी हमारी पक गई है, इसको बनने में हमें 10 से 15 मिनट लग गए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया कढ़ी बनी है आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा हरा धनिया। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे, अब इसको सर्व कर लेंगे। अब हमने एक बाउल में निकाल लिया, अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे हरी धनिया। हरी धनिया हमने पहले भी डाला था। अब हमारी कढ़ी बनके तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छी कढ़ी बनी है। कढ़ी पकौड़ा बहुत टेस्टी बना है और हमारी कढ़ी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।